अच्छा तो 5 बज गए। दिन भर मशीन की तरह काम करने वाले लोगों के लिए आराम का संदेश लिए शाम आ गई। ए मिस्टर, कसूर तुम्हारा था। आगे है या बादाम? अगर मेरी बिटिया ना बचाती तो तुम्हारे बाबूजी का समोसा बन जाता समोसा, और अगर मेरे बाबूजी ब्रेक ना लगाते तो तेरी बिटिया की भजिया बन जाती। लट्टू जा, ले जा अपने लट्टू को वरना घुमा के रख दूंगा। मट्टू, अरे जा, ले जा अपने मट्टू को वरना भी इसका मटका फोड़ दूंगा। मटके के जा, झटके के बुद्धू कहीं का। मैं बुद्धू? हाँ तू बुद्धू। तेरा बाप बुद्धू? तेरे बाप का बाप बुद्धू? तेरे बाप बुद्धू? तेरे बाप की बीवी बुद्धू? बिटिया, मेरा बाप बुद्धू? मैं तेरा नाक काट दूंगा कहीं का। मैं तेरा बाबूजी। अरे 3:30 बज गई है, लता कहाँ मर गई? अरे मुझे भी तो यही चिंता खा रही है। अरे वो आई लता, इतनी देर क्यों लगा दी लता? अरे सुधा क्या बताऊँ, कार के सामने भैंसा गया था। चलो चलो। Thank you.
मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है ये दुनिया तुम्हारी है दुनिया का मजा ले लो दुनिया तुम्हारी है जी दुनिया तुम्हारी है Queen of Hearts, Lata, the Queen of my heart. तो मेरी बुलबुल उस पर तो जान की बाजी लगा दूंगा शेखर 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 फिर वही ताश की बाजी चाची जिंदगी में दो ही बाजियां तो खेली हैं एक ताश की और दूसरी दिल की बस रहने दे अपनी बातें देख तेरे दादा की चिट्ठी आई है तूने उनके एक खत का जवाब भी नहीं दिया आखिर तंग आकर उन्होंने मुझे खत लिखा है उनकी तबीयत खराब है तुझे गांव जाना पड़ेगा ना चाची ना गांव का नाम मेरे सामने ना लो मैं तो शहर का पंछी हूँ गांव का दाना मुझे पसंद नहीं अरे पगले दो चार दिन ठहर के आ जाना अच्छा चाची तेरा हुक्म है तो कल चला जाऊंगा शाबाश और देख जाते हुए शशि के लिए खिलौने और दादा के लिए पेंसिल का इंजन लेते जाना पेंसिल का इंजन ओह पेंसिलिन का इंजेक्शन हाँ, हाँ, हाँ। चाची बस तुम भी वही हो ये बाबूजी कहाँ गए गए होंगे कहीं गला फाड़ने दो ही काम तो जानते हैं बीवी पर बरसना और लेक्चर देना और मेरी लता अरे वो कौन सी कम है आखिर बेटी तो अपने बाप की है ना गई होगी कहीं था तैया करने सुतेली माँ जो ठहरी कुछ कह नहीं सकती मेरे पेट से ऐसी बेटी होती बस चाची बस आगे कुछ न कहना लता कुछ भी हो तुम जानो मेरी तो अरे जानती हूँ तेरी ही है तो नहीं चाची तेरे चरणों के प्रताप से हो जाएगी आस लगा रखी है देखना कहीं टूट ना जाए अरे दिल छोटा ना कर मैं आज ही उनसे बात छेड़ूंगी थैंक यू चाची चाची यू आर ग्रेट तुम्हारी जान की कसम तुम दुनिया की सबसे बड़ी चाची हो लेकिन ध्यान रहे कहीं वो तुम्हारे कॉलेज क्रैक पति देव काम बिगाड़ ना दे बाबूजी आ गए अरे कहाँ हो सब लोग मर गए क्या नमस्ते बाबूजी ओ शेखर बल्ले बल्ले बड़ी लंबी उम्र है हम अभी आप ही की तारीफ कर रहे हैं अरे एक तुम ही क्या आज मद्रास का एक एक घर हमारी तारीफ कर रहा है काश के तुम वहां होते और हमारा लेक्चर सुनते बर्फुरदार एक बिजली थी जो चमक रही थी हुजूर एक आग थी जो भड़क रही थी जियो क्यों नहीं इस बात की गुवाही तो ये फूलों के हार दे रहे कितने खुशबूदार हैं ये फूल अरे ये क्या है उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे हार पहनाने के लिए सरकार कश्मीर से फूल मंगवाए जाते थे बल्ले 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 मट्टू क्या तनख्वाह है तुम्हारी मट्टू निकल यहाँ से आपको कितनी बार कहा है कि नौकर को मुंह लगाना अच्छा नहीं होता आ गई ना बाबूजी हाँ जलसे में भीड़ तो बहुत होगी बल्ले बल्ले भीड़ का क्या पूछते हो आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था लाउड स्पीकर का भी इंतजाम था आए क्या कहा लाउड स्पीकर अरे हम खुद लाउड स्पीकर हैं तुम चौधरी को समझते क्या हो उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था दो दो लाख आदमियों के सामने लाउड स्पीकर के बगैर लेक्चर देता था और एक एक कान तक मेरी आवाज इस तरह जाती थी जैसे कि अभी तुम्हारे कान में जा रही है बरफुरदार जब तक चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल का गला सलामत है लाउड स्पीकर पे 100 बार लानत अजी 1000 बार लानत लाख बार लानत बोले 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 भाई कुछ भी हो शेखर आदमी समझदार हो थैंक यू बाबूजी अंग्रेजी बोलते हो जी कभी कभी बैड हैबिट वेरी बैड हैबिट जी बाबू जी बाबू जी भाई लता नहीं आई ये भी कोई पूछने की बात है बिटिया रानी तो मुंह अंधेरे जाती है और दिया जले आती है सोतेली माँ हूँ समझाओ तो जवाब में खरी करी सुन लो तेरे नखरे ओ बिटिया रानी आ गई लता आइसक्रीम तो मिलेगी ना जरूर मिलेगी गुड इवनिंग लता गुड इवनिंग डैडी जीती रहो बिटिया लता बात सुनो कहाँ जा रही हो जाइए हम आपसे नहीं बोलते आप डांस देखने क्यों नहीं आए इतना अच्छा डांस था कि बस पूछो नहीं एक्सलेंट वंडरफुल मार्वेलस और बेटिया हमारा लेक्चर भी वो जोरदार था कि बस पूछो नहीं लोग सुन सुन कर पागल हो रहे थे जब मैं रोता था तो लोग मेरे साथ रोते थे
और जब मैं हंसता था बेटिया तो लोग मेरे साथ हंसते थे, मार्वलस डेंजरसली एक्सीलेंट। अच्छा डैडी। हाँ बेटिया, ये क्या, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे स्टूडेंट्स का बेताज बादशाह कहते थे। मेरा लेक्चर सुनने के लिए लोग चार चार दिन पहले ही आकर हॉल में बैठ जाते थे। अफसोस है बिटिया की उस वक्त तू ना थी, और तू तो क्या, तेरी माँ भी ना थी। Really? काश के सारी दुनिया के डैडी ऐसे होते। Should we go now? ओ बले बले बले। जाओ बेटी जाओ जाओ खेलो ओ मट्टू, अबे इनको आइसक्रीम खिला। हाँ बादाम की। बाहर छोड़ो लता, बाहर न हुई मुसीबत होगी। देखो प्यारी मेरा मैगजीन दे दो, अशोक की कहानी इसमें छपी है। भाड़ में जाए तेरा अशोक, नगोड़े ने तुझ पर जादू कर दिया है। प्यारी अशोक ने नहीं, उसकी कहानियों ने जादू कर दिया है। देखना अशोक को इसी कहानी के लिए इस साल का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। उसे फर्स्ट प्राइज मिले या लास्ट प्राइज, तू क्यों दीवानी हो रही है? अरे मैं बताती हूँ, मेम साहब ने अशोक की तस्वीर देख ली होगी, जबी तो दिल गोल मोल हो रहा है। सुधा तू तो बात का बतंगड़ बना देती है। 100 बार कहा है मुझे अशोक से कोई वास्ता नहीं, मैंने तो उसकी सूरत तक नहीं देखी, उसकी कहानियों से प्यार है। हाय हाय संभल के रहना गुया, कहानियों से प्यार करते करते खुद कहानी ना बन जाना। शट अप। ये है अम्बुआ गांव, जहाँ प्यार की वर्षा बरसती है और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। फूलों के साथ कांटों का होना भी जरूरी है। इसी तरह इस गांव में भी ऐसे लोग रहते हैं जो दिल के निर्धन और धन के पुजारी हैं। दिनू, मैं तुझसे आखिरी जवाब लेने आया हूँ। बोल इरादा क्या है तेरा, क्या मेरा 10,000 रुपया हजम कर जाना चाहता है? ये आप क्या कहते हैं सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुकती कर दूंगा। मगर कब? कब? बहुत जल्द, ये फसल कटने पर आपके पैसे घर बैठे पहुंचा दूंगा, घबराइए नहीं सेठ जी। चाचा अगर घर बैठे दे जाने वाला होता तो मैं यहाँ क्या छक मारने आता? नाराज ना होइए, जब इतने दिन ठहरे हैं तो। नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं ठहर सकता, तेरी एक बात भी सुनना नहीं चाहता। अगर भली चाहता है तो रुपए फौरन जमा करा दे, वरना है। बाबा देखा तुमने, चूंकि मैंने बनाए हैं, अच्छे है ना? हाँ अच्छे है सेठ जी। अरे बैठो दीनू, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। ये लड़की कौन है? कैसी बातें करते हैं सेठ जी, ये तो मेरी बेटी मालती है। मालती? ओ मालती, मुझे पहचाना नहीं सेठ जी। अरे तू तो इतनी से इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तो तुझे पहचान भी नहीं सका। बैठो बैठो बैठ जाओ मालती। नाराज ना होइए सेठ जी, आगे से आपको यहाँ तक आने की तकलीफ ना होने दूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है तीनू, तुम तो जानते ही हो कि हमारा गुजारा भी तो चलना चाहिए। खैर जल्दी ही दे देना। अब देर न होगी, जरा इसके हाथ पीले कर दूं फिर। अरे शर्मा गई। दीनदयाल जी आप इसके ब्याह की कोई चिंता ना करें, हम सब ठीक कर लेंगे। पर ब्याज में मुझे कुछ फर्क जान पड़ता है। ब्याज में फर्क? अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब 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 ठीक हो जाएगा। अगर मैंने ब्याज ना भी लिया तो कौन सा मैं भिखारी हो जाऊंगा? और फिर दीनदयाल जी हम दोनों में अब अंतर ही क्या है, क्यों मालती? मैं मुनीम जी को भेजता हूँ, ये सब तय कर लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा मालती, मैं जाऊं? जाओ दादा।
हद तेरी की। दादा कहती है दादा दादा पगली 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 पगली। सेठ जी क्या कह रहे थे? दौलत के पुजारी जो चाहे कहते हैं। हाँ बूढ़े भी तो हो गए। ओफो, सड़क है या किसी बेवफा का वादा? गाड़ी वाले गाड़ी रोको, हम पैदल जाएंगे। ओ जालिम, हमें एक नजर देख लेना, उधर जाने वाले इधर देख लेना। आयो यो बाबू। गाड़ी वाले, ये बुलबुल कौन थी? आपकी अम्मा है? अम्मा? हाँ हाँ बाबू, ये गांव है, यहाँ लड़की को देवी कहा जाता है, बुलबुल नहीं। नॉन शशि, बड़ी मोटी हो गई है तू। हाउ आर यू? मेरी बात करो मामा, बिस्किट को करता हूँ। मासी दीदी, मासी दीदी, मासी दीदी, देखो मेरे मामा आ गए। शशि, ये कौन थी? अरे जानते नहीं, अपनी पड़ोसन है मासी दीदी, बड़ी अच्छी है। वाकई बड़ी अच्छी है। आ गए बेटा शेख। हेलो दादा। आओ आओ। ये भेड़िया और इस भेड़ का शिकार करना चाहता है। वाजी वाह, भेड़िया भेड़ का शिकार करना चाहता है। भेड़ भी मोटी ताजी है मामा, इतनी जल्दी नहीं फंसेगी। हाँ शशि, लेकिन भेड़िया छोड़ेगा नहीं। ये खिलौने मालती को दिखाओ ना। हाँ, हाँ, दिखाती हूँ। मालती दीदी। क्या है शशि? इधर आओ, तेरे भेड़िये तो देखो। तू खुद जा कर ला, वैसे नहीं आएगी। अच्छा। चल ना दीदी। ना शशि ना, तू तो बिल्कुल भेड़ है। अरे सचमुच का भेड़िया नहीं, खिलौना है, खिलौना। हाँ हाँ खिलौने ही तो हैं। ये है भेड़, ये भेड़िया, और ये है मुर्गी, ये अंडे भी देती है। एक दो तीन। और ये क्या है? नन्नी मुन्नी। शशि बड़ी अच्छी है, ले लो ना। मामा मुझे दे दो। अरे तू क्या करेगी? मालती तुम ले लो ना। अरे खिलौना ही तो है, ले लो। शशि बड़ी अच्छी है,
इसके दाम क्या है? 20 रुपए। कितने? सिर्फ 20 रुपए। हाय राम, इतना सा खिलौना और 20 रुपए? मेरे जितना होता तो 420 में आता। 420? पूरे 420? विश्वास नहीं आता। तुम कहते हो तो आ गया। मालूम होता है शहर में सब पागल हैं। वो क्यों? इसलिए कि गांव में तो खेती के बीज के लिए 10 रुपया नहीं मिलते और शहरी लोग खिलौनों पर इतना रुपया बर्बाद कर देते हैं। मालती आई माँ। ले शशि। मालती इसे तुम ही रखो ना। ओ मालती। अभी आई माँ। ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। रेडी शशि? रेडी। फिर वही जबान। आपके जबान निकाली तो फोटो नहीं लूंगा। अच्छा मामा, तुम्हारी कसम अब जबान नहीं निकालूंगी। फिर वही शरारत। अरे मामा, जुबान कहाँ निकाली है? दांत निकाले हैं दांत। अब के दांत निकालेगी तो दांत निकाल दूंगा। जाओ, नहीं लेता फोटो। नहीं नहीं मामा, अब चुपके से बैठूंगी जैसे मुझे सांप सूं गया हो। सांप लो। यस गुड। शशि, तेरी मालती दीदी कहाँ? तेरी दीदी की फोटो भी ले लूं? हाँ। तो जाओ, रोको। मालती दीदी जरा ठहरो ना। देखो मामा के पास कैमरा है, वो तुम्हारी फोटो लेंगे। अरे चल ना। ठहर शशि, लाओ इसे रख। चलो चल 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 चल। बस यहीं ठहरो शशि, तू इधर आ जा। चल चल चल, इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी तरफ या कैमरे की तरफ? तू चुप रह। हाँ इधर देखो। अरे इधर देखो कैमरे। फोटो ही तो ले रहा हूँ, घबरा क्यों रही हो? इधर देखो बस। इधर हंसो हंसो। वंडरफुल। मेरा कैमरा बहुत खुशकिस्मत है, हर किस्म की सुंदरता इसने देखी। कभी शहर की खूबसूरती और कभी गांव का जादू। अच्छा शशि, मैं जाती हूँ। अरे इतनी जल्दी? तुम्हारी मर्जी। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? अब करने को बचा ही क्या है? दिल में आग लगा कर चला गया वो मुनीम। अगर किस्मत को यही मंजूर है तो हम कर ही क्या सकते हैं? तब तो मेरी प्यारी मालती। धीरे से काम लो। तुम समझती हो कि मालती को उसे देने में मुझे संतोष है? नहीं नहीं, मगर दूसरा अच्छा दामाद कौन आएगा? अगर आएगा भी तो मेरी बहन भाग गई है ये बात न पूछेगा। और अगर फिर लक्ष्मी दास ने दावा करके हमारी जायदाद जब्त कर ली तो अपनी मालती को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मालती की शादी लक्ष्मी दास से करनी होगी, दूसरा कोई चारा नहीं। लक्ष्मी दास। मालती मैं जाऊं? जाओ दादा। मालती क्या हुआ बेटी? हेलो बेटी, ये क्या हो गया? सताए हुए को सताती है दुनिया, मिटाए हुए को मिटाती है दुनिया। मनाती है अपने घरों में दिवाली, गरीबों के दीपक बुझाती है दुनिया। दुनिया वाले कितने
कौन जालिम है तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले, बाहर से ये तन के उजले लेकिन मन के काले, बाहर से ये तन के उजले लेकिन मन के काले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले। कसों का ठिकाना नहीं है, हमारी खुशी छीन लेती है दुनिया, कोई दिन हमारा सुहाना जालिम है तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले। बता कब तलक यूं ही रहना पड़े, सितम तेरी दुनिया का सहना पड़ेगा, तुझे से है शिकवा तुझे से शिकायत, तुझे से ओ मालिक ये कहना पड़ेगा, ओ दुनिया वाले कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले, ओ दुनिया वाले कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले, बाहर से ये तन के उजले लेकिन मन के काले, कितने जालिम है तेरी दुनिया वाले। अच्छा तो हजूर यहाँ छुपे हुए हैं, बस्ती न सही जंगल ही सही, तुझे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझसे तुम्हारे ये आंसू नहीं देखे जाते, बात छुपाओ नहीं साफ साफ कहो। क्या कहूं, किस्मत में आंसू लिखे हैं, बहा रही हूं, जाओ मुझे रोने दो। रोने दूं, मैं तो तुम्हें अपने होंठों की मुस्कुराहट बनाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को रोते हुए कौन देख सकता है। अपने दिल का दर्द मुझसे कह दो मालती, शायद उसकी दवा मेरे ही पास हो। बोलो मालती बोलो। मेरे बाबा ने सेठ लक्ष्मीदास से 10,000 रुपए कर्ज ले रखे हैं और वो बूढ़ा 10,000 के लिए मुझे खरीदना चाहता है। समझा, दुनिया की पापी नजरें इस फूल को मसलना चाहती हैं। तुम्हारी सुंदरता और जवानी की कीमत 10,000 रुपया डाली गई है, तुम्हारे माँ बाप ने कैसे मंजूर कर लिया। किसी गरीब की मजबूरी तुम क्या जानो, मंजूर ना करते तो कर्ज कहाँ से चुकाते। ये अन्याय है, बेइंसाफी है, कितनी बेदर्द है ये दुनिया।
एक तरफ 70 साल का बूढ़ा और एक तरफ 17 साल की मासूम लड़की, कहां खिजां की खुश हवाएं और कहां बाहर का मस्त झोंका, इन दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, मिलाप नहीं हो सकता। मालती पोंछ लो अपने आंसू, मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदल दूंगा। गरीबों की दुश्मन दुनिया को बतला दूंगा कि गरीबों का साथ देने वाले भी होते हैं। उस कमीने लक्ष्मीदास का कर्ज मैं चुकाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा मालती। ये लो 2000, 4000, 6000, 8000, 10000। मालती सोच क्या रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। धोखा? शायद तुम नहीं जानते, हमारे कुल को कलंक लग चुका है। कलंक? हाँ, मेरे बाबा की बहन घर से भाग गई थी, समाज में हमें कोई अच्छा नहीं समझता। मैं तुम्हारे लिए समाज को ठुकरा दूंगा, आखिर किसी के पाप का बदला तुम्हें क्यों मिले? ऐसी बातें प्यार के रास्ते में नहीं आती। मालती तुम मेरी होकर रहोगी। सच? ये अग्नि गवाह है। कर्ज भी चुका लोगे? क्यों नहीं, शादी भी कर लोगे? कह जो दिया है। मैं अभी आई, तुम यही ठहर। अरे मालती जा कहाँ रही? माँ से कह के आती हूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, वक्त आने पर माँ को खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल कहता है अभी क्या आऊँ, माँ के सीने से बोझ उतर जाएगा। लेकिन जवान लड़की का माँ से खुद कहना अच्छी बात नहीं। तुम सचमुच बड़ी भोली हो मेरी बुलबुल। प्यारी चाची, दादा की सेहत अब अच्छी है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, गांव में जी नहीं लगता। आशा है कि तुमने लता से मेरी शादी की बात पक्की कर ली होगी। तुम्हारा दास शेखर। अजी सुना, शेखर को गांव में भी लता की चिंता लगी हुई है, बेचारा उठते बैठते लता ही का नाम जपता है। क्यों नहीं क्यों नहीं, नौजवान अक्सर ऐसी बेवकूफियां करते रहते हैं। मजाक छोड़ो, मैं शेखर की तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरा रिश्तेदार है, बल्कि इसलिए कि लड़का बड़ा नेक है, लता के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। यही तो बेवकूफी करता है, दुनिया को अच्छी तरह दोनों आंखों से देखना चाहिए। फिर वही मजाक, मैं कहती हूँ कुछ फैसला कीजिए और कन्यादान करके गंगा नहाइए। अच्छा, हमें इसी बहाने हरिद्वार भेजना चाहती हो? बल्ले बल्ले, जवाब नहीं तुम्हारा उमा देवी, ला जवाब हो। बाबूजी क्या है लट्टू? ये कार्ड। एडिटर बाहर, पंडित सुदर्शन। नमस्ते अशोक बाबू। नमस्ते जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर तशरीफ लाइए ना, तशरीफ रखिए। कहिए पंडित जी, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? आपकी कहानी को पहला इनाम मिला है, इस खुशी में बाहर प्रेस ने आपको मान देने के लिए जलसा बुलाया है। आई सी। टी पार्टी की दावत देने आया हूँ। छोड़िए पंडित जी, मुझे इस किस्म के प्रोपेगेंडे से सख्त नफरत है। अजी आजकल तो जमाना ही प्रोपेगेंडे का है, कोई 10 रुपये दान दे तो उसके प्रोपेगेंडे पर 100 रुपया खर्च करता है। ये तो आप ठीक कहते। तो फिर हमारी दावत मंजूर? लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? जलसे में आप मुझे कुमार के नाम से पुकारेंगे, अशोक के नाम से नहीं। वो क्यों? ये मत पूछिए, और देखिए होता क्या है। मंजूर। प्रॉमिस? यस अशोक बाबू। देखिए फिर अशोक बाबू। नहीं नहीं नहीं, कुमार बाबू, कुमार बाबू, भूलिएगा नहीं। श्रीमान एडिटर बहार नमस्ते, अगर आपके पास कहानी लेखक अशोक की कोई फोटो हो तो कृपा करके एक कॉपी मुझे भेज दीजिए, और लिखिए कि इस साल की सबसे अच्छी कहानी का फैसला कब होने वाला है।
लता, गुड न्यूज क्या है सुधा? अरे ये देख, इस साल की सबसे अच्छी कहानी का पहला इनाम अशोक को दिया गया है। अशोक को पहला इनाम, फर्स्ट प्राइज, वेरी गुड, वेल डन अशोक। तुमसे कहा था ना कि मुकाबले में अशोक ही जीतेगा। उस वक्त तो उसे न घोड़ा मुआ उल्लू न जाने क्या क्या कहती थी, अब बताओ। जी मेम साहब पर दो गैलन वाटर डालो। टमाटर? अरे टमाटर नहीं, वाटर वाटर है? पानी। अच्छा। अरे आंसू, ये आंसू बहाने की आदत छोड़ दो मेरी बुलबुल। जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, आऊंगा हमेशा के लिए। तुमसे जुदा होने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, शादी की तैयारी करना है, और सिर्फ एक महीने की तो बात है। फिर हम और तुम, और तुम और हम। एक महीना कोई कम तो नहीं? ओफो, तुम भूल रही हो मेरी बुलबुल, ये मेरी शादी है, किसी घसियारे की नहीं। तुम एक रईस की दुल्हन बनने वाली हो, अखबारों में चर्चे होंगे, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंग्लिस्तान, तुर्किस्तान, बल्कि सारे जहान से बराती आएंगे, और राजे महाराजे, अमीर कबीर, डांसर सिंगर, गवैये नचैये, संगीत, म्यूजिक, डांस, नाच, हल्ला गुल्ला, देखना तो सही क्या क्या होता है। फिर वही बचपना, साजन को विदा करते हुए सजने को मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते हुए जाऊंगा, मुस्कुराते हुए आऊंगा। तुम सदा ही मुस्कुराओ, लेकिन जाते हुए बाबा से शादी की बात कह जाते तो अच्छा होता। तुम नहीं समझती, जरा सोचो तो, जब मैं 10,000 रुपया लाकर तुम्हारे बाबा के कदमों में रखूंगा तो उस वक्त कितने खुश होंगे, और खुश होकर मुझे दुआएं देंगे। लक्ष्मीदास के घर में मातम होगा, अब तुम्हारे बाबा खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर कहेंगे, शेखर तूने मेरी लाज रख ली। मामा। शशि आ गई। ओ मामा। बस एक बार मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अच्छा तो मेरी दीदी से बातें हो रही है। मामा कुछ वक्त का भी ख्याल करो, गाड़ी रवाना होने वाली है। इसका ख्याल रखना शशि। इसकी इतनी चिंता है तो साथी चली चलो ना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर, लेकिन अभी नहीं, एक महीने के बाद, ठाट बाट से। चलो शशि। अच्छा मालती, गुड बाय।
खाओ बिटिया। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ये तो चाय है बिटिया। चाय का बच्चा। ये तबले की आवाज सुन रहा है? सामने वाले घर में कोई तबलचे रहता है? मैं क्या जान, वो घर नया नया आबाद हुआ है। मैं पूछती हूँ 10 बजे रात तबला बजाना कहाँ की शराफत है? ठीक है तो उसे बोल देता हूँ कल से 8 बजे शुरू हो जाए। तेरा सर इडियट कहीं। Yes, miss. ओ, आप मुझे याद किया है? अच्छा तो तुम हो, उस दिन मोटर का एक्सीडेंट कर दिया और आज इतनी रात गए तबला बजाकर नींद हराम कर रहे हो। तो क्या आप सो रहे थे? छी 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 छी, जवानी में इतनी जल्दी सो जाना बहुत बुरी बात है। अजीब अजीब सपने आते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। Shut up! तुम्हें शरीफों के मोहल्ले में मकान किसने दिया? एक लड़की ने सिफारिश की थी, कहती थी एक्सीडेंट अच्छा करे हो। शर्मानी चाहिए, पढ़े लिखे मालूम होते हो लेकिन बात करने की तमीज नहीं। जी मुझे बात करने की तमीज नहीं और आपको बात सुनने की तमीज नहीं। मिस्टर तुम्हारा इरादा क्या है, झगड़ा करना चाहते हो? झगड़ा? अजी हुस्न और इश्क का झगड़ा तो शुरू से चला आया है। चलो हमने अपनी हार मान ली, आज से हमारा तबला बंद। आप आराम से सो जाइए। थैंक यू। लेकिन कभी कभी दर्शन हो जाए तो आई डोंट माइंड इट। आई डोंट माइंड इट। बाबूजी मर्द होकर औरत से हार मान गए, आपने तो मर्दों की नाक कटवा दी। लट्टू अजीब भाड़ में गया लट्टू, घर अपना है, किराया देते हैं, मुफ्त नहीं रहते, जो जी चाहे करेंगे। हाँ रोएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तबला बजाएंगे, तबला फोड़ेंगे। अरे पगले तू नहीं जानता, औरत की बात हमेशा मान लेनी चाहिए। मगर ये औरत कहाँ है? तो फिर क्या है, ये तो लड़की है। तेरा तो भेजा फिर क्या है? भेजा फिर क्या है, जहां कोई खूबसूरत लड़की देखी के हथियार डाल दिए। सुनिए बाबूजी, इस घर में हर रात तबला बजेगा, बजेगा और जरूर बजेगा। मेरे स्वामी शेखर, आपको गए 2 महीने बीत गए मगर ये खत तक नहीं लिखा, कारण समझ में नहीं आता। अबला का जीवन तुम्हारे हाथ में है, आपकी दासी मालती। हाँ उनका पता तो पूछा नहीं, कुछ कहा तो था उन्होंने। हाँ मैलापुर मद्रास। वेल डन अशोक, जवाब नहीं तुम्हारा। Thank you.
वाह वाह क्या कहने हैं। मिस मिस ए मिस ए मिस्टर, ये मिसलिस क्या लगा रखी है? जी कुछ नहीं, जरा वक्त पूछना था। क्या बजा है आपकी घड़ी में? 12। ओ 12, दिन के या रात के? आंखें फूट गई हैं क्या? ये रात नजर आती है या दिन? अगर आप सामने ना खड़ी होती तो दिन होता, मगर आप तो सामने खड़ी हैं। बेल्कनी में चौदहवीं का चांद चमक रहा है, रात ही होगी। देखो साहब, तुम शायद अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन ये जानते हो कि रात के 12 बजे किसी लड़की से मजाक करने की सजा क्या हो सकती है? ये तो मैं सचमुच नहीं जानता, लेकिन रात के 12 बजे तात यह करके पड़ोसियों की नींद हराम करने की सजा जरूर जानता हूँ। ना जाने शरीफों के मोहल्ले में ऐसी लड़कियों का मकान कौन दे देता है। रात को ना चली जा सकता है? जरूर जरूर, लेकिन अकेले नहीं। खैर छोड़िए झगड़े को, आपका नाच बहुत ही अच्छा था, अगर इस प्रोग्राम का पहले से पता चल जाता तो मजा ही आ जाता। नॉनसेंस। अजी चाहने वालों को दुनिया हमेशा नॉनसेंस ही कहा करती। क्या बुआ के भागने का कलम कम था जो तूने माँ, अब माँ कहने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि इस कुकर्म से तेरे माँ बाप की दशा क्या होगी? 3 महीने का कर्म तेरे बाबा जो सुनेंगे तो आत्महत्या नहीं कर लेंगे। मालती मालती, ये तूने क्या कर डाला, क्या कर डाला तूने? माँ, शेखर बहुत अच्छे हैं माँ, पर घर पर आते वो शादी कैसे करेगा? उन्होंने कहा था उन्हें समाज का कोई डर नहीं है, बुआ के भागने का भी फिक्र नहीं है। माँ वो आएंगे, जरूर आएंगे, और आते ही सेठ का कर चुका मुझसे शादी कर लेंगे। माँ हे राम, किसी की बातों में आकर मेरे पेट में आग लगा दी तूने। कल सारा गांव चर्चा करेगा, हमारे मुंह पर थूकेगा। माँ हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे मौत दे दे। माँ माँ नई बात है, उसकी बुआ भी तो भाग गई थी। मुन्नी कहाँ गई थी? मालती जीजी के चुप, आगे से उस कलंकिनी का नाम भी लिया कि जीप खींच लूंगी, हड्डी पस लिया कर दूंगी, समझे? अजी मालती ही क्या, तीनू का तो पूरा कुटुंब ही ऐसा है। हाँ, सारा गांव उसके कलंक से बदनाम हो रहा है। कलंक उल्टा, अपने मुंह पर कालिक पोत कर लोगों के सामने आते तुझे शर्म नहीं आती? जा अपना एक काला मुंह लेकर किसी कुएं बावड़ी में डूब मत। कुएं बावड़ी में डूब मत, 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 कुएं बावड़ी में डूब मत। ठीक है, पेट में
जिंदगी के राही हिम्मत न हार जाना, हिम्मत न हार जाना, ए जिंदगी के राही हिम्मत न हार जाना, बीतेगी रात गम की बदलेगा ये जमाना, है जिंदगी के राही क्यों रात की स्याही तुझको डरा रही है, क्यों रात की स्याही तुझको डरा रही है, आए हुए मुसाफिर मंजिल बुला रही है, हारे हुए मुसाफिर मंजिल बुला रही है, बस जाएगा किसी दिन उजड़ा जो आशियाना, बीतेगी रात गम बीतेगा ये जमाना, ए जिंदगी के राही। बाबा मैंने अपनी बेवकूफी और नादानी से आपके बुढ़ापे की बेदाग चादर को बदनामी का दाग लगा दिया है। अब मैं इस काबिल नहीं कि आपको अपनी मनफूस सूरत दिखा सकूं, इसलिए आज से मैं हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ। आपकी मालती संसार को छोड़कर जा रही हूँ। मालती 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 हाय राम, मालती के बाबा, मालती के बाबा, मालती के बाबा। आज से बाहर पिक्चर्स का छोड़ गए बालम, बाबा बाबा तुम जानते हो शेखर बाबू कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता बिटिया, उस रिक्शे वाले से पूछो। हाँ हाँ आओ बैठो बैठो। मुझे मैलापुर वाले शेखर बाबू के घर जाना है। शेखर के घर बैठ जाओ, सीधा उसके दरवाजे पर ले जाऊंगा। तुम उनको जानते हो? अजी हम सबको जानते हैं, तुम रिक्शे में बैठो तो सही। नहीं नहीं मुझे उनका पता बता दो। रिक्शा आया सेठ। अरे भाई एडिटर साहब नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए तशरीफ रखिए। जी मैंने आपको अशोक की फोटो के लिए लिखा था। नमस्ते देवी जी। नमस्ते, तो वो फोटो मिल सकती है? आपको फोटो की क्या जरूरत है, अगर आप उन्हें देखना चाहें। हाँ हाँ आप मेरे साथ चलिए ना, मैं उनसे मुलाकात करवा दूंगा, वो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। शुक्रिया, मुझे सिर्फ फोटो की जरूरत है, फिर कभी आकर ले जाऊंगी। देखिए मिस साहब, फोटो के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ
ये मारा। लता ये तस्वीर जरूर पसंद करेगी। अरे पूछ पूछ और पूछ, क्या पूछती है? अरे मामा पूछती हूँ कि मेरे लिए अच्छी सी मामी कब लाओगे? मामी? शशि मामियाँ तो बहुत है, लेकिन अच्छी सी होनी चाहिए ना। अच्छी सी? मैं बताऊँ? बताओ। मालती दीदी। अरे शशि तू अभी तक स्कूल नहीं गई, इसीलिए आई थी गांव से। चल भाग यहाँ से। जा तो रही हूँ, नमस्ते। कहो शेखर, आज सुबह सुबह आ गए? चाची सुबह क्या शाम क्या, अपनी जिंदगी में तो रात ही रात है। देख लो अभी तक कमारे का कमारा फिर रहा हूँ। तुम जानो कमारों के पीछे दुनिया लगी रहती है, अगर किसी ने देख लिया तो झट दामाद बना लेगा, फिर न कहना हमें खबर न हुई। अरे शेखर मेरा बस चले तो अभी लता का हाथ तेरे हाथ में दे दो। तुम्हारी कसम चाची, 25 बरस से अपने हाथ में अपना ही हाथ रहता है। तुम कहो तो आज बाबूजी से मैं खुद बात कर लूं। हाँ ये अच्छा रहेगा, तुझसे वो खुल के बात करेंगे। बल्ले बल्ले बल्ले, शादी आज कलम श्रीमान ब्रह्मचारी जी महाराज। शादी करने में लड़की को दी जाए जो आदादी, ऐसी शादी को कहते हैं शाना खाना शादी आबादी। बाबूजी क्या है, बड़ी उम्र है आपकी। वो तो मैं जानता हूँ, हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे हैं। कोई नई बात करो नहीं। क्या है बात? यह है बाबूजी कि आपने वो लता के बारे में क्या फैसला किया है? लता का फैसला जी? क्या जुर्म किया उसने? जी नहीं, मैं कह रहा था कि वो चाची ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा। अरे उसका क्या है, वो तो हर किसी के बारे में कहती रहती है। आप समझे नहीं, मेरा मतलब है कि वो लता और मेरी शादी के बारे में। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, शादी हो सकती है। थैंक यू बाबूजी। इट्स ऑल राइट। लेकिन बरखुरदार, हिंदुस्तान की आजादी से 10 साल पहले मैंने एक फैसला किया था। वो क्या बाबूजी? वो ये कि शादी के मामले में लड़की को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। आहा बाबूजी कितना खूबसूरत ख्याल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं लता से खुद ही बात कर लूं। आहा कितना खूबसूरत ख्याल है, मेरी तरफ से इजाजत ही इजाजत। थैंक यू बाबूजी। गुड मॉर्निंग लता। गुड बाय डैडी। गुड बाय। हाँ डैडी कॉलेज जा रही हूँ। बात सुनो बैठो जरा बेटिया बैठो। बात यह है कि शेखर तुमसे कुछ कहना चाहता है। गणेशन की दुकान से रेशन मल आया है। कौन? वही गणेशन की दुकान से रेशन मल। नहीं, रेशन की दुकान से गणेश मल आया है। अरे ऐसा बकोना भाई, उस कंबख्त से मिले बगैर जान नहीं छूटेगी। हाँ देखो बेटिया तुम यहीं बैठो, हैं मैं अभी आता हूँ। चल बे चल चल। क्यों लता क्या फैसला किया? किस मुकदमे का? अपनी शादी के बारे में। मेरी शादी होगी, जरूर होगी। लेकिन कब? जल्दी क्या है, अभी तो एफए में पढ़ती हूँ। 2 बरस में एफए पास करूंगी तो बीए ज्वाइन करूंगी, 2 बरस में बीए पास करूंगी तो एमए ज्वाइन करूंगी, 2 बरस में एमए पास करूंगी, और अगर कहीं फेल हो गई तो 2-4 बरस और लग जाएंगे। एमए के बाद पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड जाओगी। हाँ। 2 साल के बाद वहां से आऊंगी और आकर शादी के बारे में सोचूंगी। उफ, 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 ये तो बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम हैं। चलो ऐसा ही सही, उसके बाद शादी तो मुझसे ही करोगी ना। नमस्ते। ओ आप आइए आइए आइए। मेरे आने से आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं हुई, आप बैठिए ना। शुक्रिया। अच्छा तो लता मेरी बात तो माफ कीजिए, आप कुछ जरूरी बात कर रहे थे? जी हाँ। तो मैं दूध में मक्खी नहीं बनना चाहता। जी नहीं, आप बैठिए ना, यहाँ कौन सी शादी हो रही थी, इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर शेखर और ये है मिस्टर
वी कुमार, बड़े अच्छे आदमी है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो लता मैं फिर कभी आऊंगा। ए मिस्टर, नाउ विल यू गेट आउट? आप मुझसे कह रहे हैं? जी हाँ, आपको मिस्टर वी कुमार, प्लीज गेट आउट। आप भी अजीब हैं। अभी तो आप मेरी तारीफ कर रही थी। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, और आप गेट आउट? आप लड़की हैं या डिक्टेटर? बल्ले बल्ले बल्ले, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था लोग मुझे नौजवानों का डिक्टेटर कहते थे। क्यों शेखर, ये कौन है? बाबूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? बड़ी खुशी से मिले। आओ आओ बरखुरदार, आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ फरमाइए जी। बात दरअसल ये है कि बाहर प्रेस से एक चिट्ठी आई। क्या कहा? बाहर? जी हाँ, अभी पेश करता हूँ। निकालिए निकालिए। मालूम नहीं कैसे कि कोई गलती से मेरे घर पे ये चिट्ठी दे गया, मेरी समझ में नहीं आई। और कल मैं बाहर प्रेस में बैठा था तो एडिटर साहब है ना, फरमाइए एडिटर साहब। कुछ नहीं, आप जरा चिट्ठी पढ़िए। और पढ़ता हूँ, चिट्ठी तो लिहाफों में बंद है। हाँ जी, कुमारी लता नमस्ते, आपका खत मिला, फोटो भेजी जा रही है। बेटिया, इम्तिहान के दिनों में ऐसे खत लिख के वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इम्तिहान के दिनों में ऐसा करना बहुत बुरी बात। नहीं डैडी, मेरी किसी सहेली ने लिख दिया होगा। मगर बेटिया, पता तो तुम्हारा ही लिखा है। जी शरारत से मेरा ही नाम लिख दिया होगा। हाँ हाँ, लिख दिया होगा। कल बाहर प्रेस में मैंने भी मेरे जैसी लड़की देखी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही जैसी लड़की थी। अरे भाई, ये फोटो किसका है? अशोक कौन है ये? अशोक आजम। अशोक द ग्रेट। अशोक आजम, अशोक द ग्रेट है? ये अशोक आजम है? ये बेटिया अशोक द ग्रेट है? उम्र 19 महीने 8 दिन, अशोक द ग्रेट। देखा डैडी, अशोक कहानियों ही में नहीं अपनी लाइफ में भी कितना जिंदा दिल है। खाक जिंदा दिल है। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लोग मुझे जिंदा दिलों का बादशाह कहते थे। जहां मैं बैठ जाता था लोग खड़े हो जाते थे, जहां मैं खड़ा हो जाता था लोग बैठ जाते थे। हो सकता है? हो सकता है नहीं, बरखुरदार होता रहा है। रहते कहां हूं? आपके पड़ोस में। हमारे पड़ोस में जी। नाम क्या है? कुमार। कुमार? कुमार, बस इतना सा नाम? अरे नाम हो तो इतना बड़ा है जितना कि मेरा, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल, फुल स्टॉप। जी मेरा भी पूरा नाम वी कुमार यानी वसंत कुमार है। हाँ वसंत कुमार। रहने वाले कहाँ के हो? मांडवा। मांडवा? डैडी आपके एक दोस्त भी तो वहां रहते थे। अरे अरे वाह बेटिया, क्या याददाश्त है तुम्हारी, खूब याद दिलाया। वो अपना हनुमान प्रसाद वहां रहता था ना, चौक में बजाजी की दुकान थी कपड़े की, है और क्या बिक्री थी उसकी, बड़े जोरों का काम था। ना जाने कमबख्त को क्या सूझी, वतन छोड़कर रंगून चला गया। हाय हाय हाय, ऐसा गया कि फिर आया ही नहीं, दुनिया से ही चला गया। भाई तुम्हें क्या हुआ है? जी वही तो मेरे। तुम्हारे क्या पिता थे? हनुमान प्रसाद तुम्हारे पिता थे? जी। तुम हनुमान प्रसाद के बेटे हो? हाँ जी। हाँ? बल्ले 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 बिटिया, बिल्कुल वही नाग नक्शा है। बेटा आज से तुम मुझे हनुमान समझो, तुम्हें किसी बात की तकलीफ हो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, है यहाँ आ जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है बिटिया, ये तो अपने ही है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ओह 10:30 बज गए डैडी, कॉलेज का वक्त हो गया। हाँ हाँ बिटिया, तुम कॉलेज जाओ। हाँ मगर सुनो, जाओगी कैसे, गाड़ी तो नाजिम के आ गई हुई है। चौधरी साहब, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी गाड़ी में इनको छोड़ दूं। नहीं डैडी, मैं पैदल ही जाऊंगी। ना बिटिया, ये कैसे हो सकता है, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल की बेटी और पैदल जाए, लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा, अपने घर का आदमी है। अच्छा चौधरी साहब नमस्ते। हाँ जीते रहो बेटा, देखो कभी कभी आया करो। हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ ना उसके साथ, कॉलेज से देर हो रही है, प्रोफेसर क्या कहेंगे, नटखट कहेंगे। हाय हाय हाय, न जाने तुम्हारे अकल पर पर्दा क्यों पड़ गया है, न जान न पहचान और जवान लड़की को साथ भेज दिया। अरे भगवान, तुम क्या जानो इन बातों को, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना। मैंने कहा ला 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 ला
लता, कितना नमकीन नाम है, ब्यूटीफुल। और उस दिन आपका नाच तो बहुत ही प्यारा था, वंडरफुल। क्यों ना हो साहब, प्यारे आदमियों की हर बात प्यारी होती है, हैं? अच्छा जी, व्हाट इज दिस? दिल की धक धक, एक निकम्मी किताब, बकवास। क्या कहा, बकवास? जानते हो उसका लेखक कौन है? जी जानता हूँ, और खूब अच्छी तरह जानता हूँ। अशोक ही है ना, उसे लिखने की क्या तमीज, घास खोदता है घास। देखो जी, इतने बड़े आदमी का नाम इज्जत से लेना चाहिए। बड़े आदमी, ओहो अशोक और बड़ा आदमी, ओहो आपको वहम हो गया है मेम साहब। आपने उस दिन उसकी तस्वीर मंगवा भेजी और उसने उठा के बचपन की तस्वीर भेज दी। अगर मैं अशोक होता तो ऐसी बांकी तस्वीर भेजता, ऐसी बांकी तस्वीर भेजता कि आपके दिल की धड़कन और भी बढ़ जाती। बस रहने दीजिए। इट्स ऑल राइट। ओ, कॉलेज आ गया, गाड़ी रखिए। इतनी जल्दी कॉलेज आ गए? वेरी बैड। लड़कियों का कॉलेज तो शहर से कहीं दूर होना चाहिए। थैंक यू। डोंट मेंशन। बरखुरदार, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एक पेशीन गोई की थी। वो क्या चौधरी साहब? वो ये कि आने वाले जमाने में लड़कियां लड़कों को नीचा दिखाएंगी। किस बात में नीचा दिखाएंगी सर? अरे मट्टू, पढ़ने में, लिखने में, गाने में, बजाने में, सीने में, परोने में, तैरने में और नाचने में। अजी दूर क्यों जाते हो, अपनी लताई को तो देखिए, लिखने में कमाल, गाने में बेमिसाल और नाचने में पूरी तीन ताल। आखिर क्यों ना हो, बेटी किसकी है, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल के यहाँ। डैडी, आप भी कुमार साहब की बातों में आ गए, ये तो मस्का लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो हम मस्का लगाते हैं और क्या। काश मैं आपको अपना दिल दिखा सकता। अगर दिल होता तो दिखाते ना। बाबू, बाबू। हाँ? शेखर बाबू का घर जानते हैं आप? शेखर, क्या वो भी मेरी तरह कोई रिफ्यूजी है? नहीं नहीं, तो फिर मुझे मालूम नहीं। हेलो मिस्टर कुमार। आइए आइए लता देवी, तशरीफ रखिए। ओ, आप तो पहले ही से तैयार हैं, चलिए। कहाँ ले चलूँ? जानते नहीं? ओ माफ करना, इनविटेशन देना तो भूल ही गई। आज अशोक को मान देने के लिए जलसा हो रहा है, आपको जलसे की दावत देने आई हूँ। लेकिन अशोक के जलसे से तुम्हें क्या? मेरे बाबूजी को इस जलसे का प्रेसिडेंट चुना गया है, इसके अलावा वहाँ मेरा डांस का प्रोग्राम भी है, चलिए ना।
जल्दी आओ, बाबूजी का लेक्चर शुरू हो रहा है। अभी आई। भाइयों, बहनों और बच्चों, ये जो इज्जत आपने मुझे दी है कोई नई बात नहीं है, मेरी इज्जत हमेशा से होती आई है। पाट 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 पाट। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, लोग मेरी तब भी इज्जत करते थे, बड़े प्यार से लोग मुझे इज्जतदारों का सम्राट कहते थे। लता, मेरा ख्याल है वही लेखक अशोक है। बच्चा बच्चा मेरी जिंदा दिली की कसम खाता था, आज मुझे खुशी है, खुशी नहीं बल्कि खुशी और फख्र दोनों है कि अशोक ने मेरी जगह संभाल ली है। क्यों ना संभाले, आखिर बच्चा ही तो बाप की जगह संभालता है। तालियां। थैंक यू। लेकिन दोस्तों, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अशोक को मैंने अभी तक देखा तक नहीं। जैसा कि आप देखने के लिए बेताब हैं, वैसे ही मैं देखने के लिए बेताब हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अशोक साहब नहायत ही अच्छे लेखक हैं, जैसे कि मैं था या मैं हूँ, वैसे ही अशोक साहब लेखक हैं। माफ कीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मुझे जरा कम बोलने की आदत है। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे कुछ कम बोलने की आदत है। क्या करूं, आदत ही है मेरी कुछ। तो अब मैं एडिटर बाहर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो अशोक साहब को आपके सामने पेश करें, मैं तो पेश हो ही चुका हूं। आइए अशोक बाबू। देखिए अपने अशोक। अरे बसंत कुमार, हनुमान प्रसाद का बेटा। आओ बेटा, गले लग जाओ। एडिटर साहब, ये तो मेरा अपना ही बेटा है। दोस्तों, ये 16 आने मेरा बेटा है। देखो बसंत कुमार, अशोक कुमार निकला है। बेटा तुम्हारी कसम, मेरे बात सिर्फ तुम ही लाजवाब हो। आओ मेरे साथ बाबू। तालियां तालियां। अशोक, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा 3 पाउंड कद बढ़ गया है। बाबू, 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 तुमने मुझे बाबू कहा? कुर्बान जाओ, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर कोई तो मुझे बाबू समझता है। शेखर बाबू को जानते हैं आप?
शेखर, वो बाजीगर शेखर जो ताश की बाजी और दिल की बाजी खेलता है। मठो। अबे कौन? चक्कर। बहुत दिन के बाद यार। सुनाओ यार, रंगून से कब आया भाई? 7 साल के बाद आ गया। 7 साल बाद? आओ चलो चाय वाय पिया। चलो चलो। मेम साहब कुछ तो बोलो। कहानियों में झूठ, नॉवलों में झूठ और जिंदगी में भी झूठ। जी सब झूठी झूठ। वो तो वही दिल की धक धक भी झूठी, बिल्कुल रद्दी, होपलेस। तो मैं कब कहता हूँ कि दिल की धक धक अच्छी होती है? लेकिन मैं पूछती हूँ कि तुमने मुझे धोखे में क्या रखा? इसलिए कि हर नौजवान लड़की नौजवान लड़के का धोखा पसंद करती है। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं। जी अगर तुम्हारे बाप की मेरे बाप से दोस्ती न होती तो मैं तुम जैसे धोखेबाज को कभी मुंह न लगाती। तो इसका मतलब ये है कि कसूर मेरे बाप का है? बेशक। नहीं मैम साहब, कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट टर्न, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न। गुस्से को छोड़िए, धीरे धीरे बोलिए, मेरी सरकार जरा आंखों को खोलिए। फैशन को भूल के आओ जरा होश में, धोखे में आओ ना जवानी के जोश में। फायदा है क्या झूठी टीप टाप का, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कोई बात कीजिए तो पहले तोल के, चलिए न चाल ऐसे डोल डोल के। हुस्न का हुजूर को बड़ा मान है, हुस्न चार रोज का मेहमान है। कहाँ जाएगा गरूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न। शेखर बाबू के घर जानते हैं आप? बोलिए ना। आप जरूर जानते हैं, भगवान के लिए मुझे बताइए। साढ़े 5 बज गए, अभी तक लता नहीं आई। हेलो मिस्टर कुमार, हाउ डू यू डू? क्यों जनाब अभी तक मद्रासी में हो? मद्रास? हाँ हाँ मद्रासी में हूँ। पहचाना नहीं? पहचाना, खूब अच्छी तरह पहचाना। तुम वो अरे तुम क्या भूल गए, बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे। अरे क्लासमेट। हाँ क्लासमेट, अब पहचान लिया, बड़ी अच्छी तरह पहचान लिया। वाह कुमार साहब, तुम भी जानवर हो। अगर मैं लड़की होता तो अच्छी तरह याद रखते, लड़कों को कौन याद रखता है। तुम हनुमान प्रसाद जी के लड़के हो ना, वो जो रंगून में रहते थे। हाँ अब समझा। क्या समझे? खैर छोड़ो इस झगड़े को, ये सुनाव यार अभी तक ब्रह्मचारी हो या 8-10 बाल बच्चे? छी 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 छी, मैं बाल बच्चे के झगड़े में कभी नहीं पड़ता। शादी करके दरवाजे पे भैंस कौन बांध ले। ना जाने ये मुसीबत कहां से आन टपकी। हाँ तो जनाब यहाँ पे क्या करने आए हैं?
शादी के लिए। शादी के लिए? ओ ऐसी, भगवान आपका भला करे। थैंक यू। ओ इट्स ऑल राइट। बड़े अच्छे घराने की लड़की है। उसके बाप को तो सारा मद्रास जानता है। जानता होगा, मैं नहीं जानता। अरे भाई वही उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। कौन? चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल? हाँ उन्हीं की लड़की लता। लता लव मैरिज हो रही है। ओ आई सी। है खूबसूरत। हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है। तो क्या क्या वो शादी आप ही से हो रही है उसकी? तो और क्या, उसकी नाई से हो रही है। बंदा बन तुम तो ऐसे खो गए हो जैसे किसी ने तुम्हारी जेब काट ली हो। तो क्या लता राजी हो गई? अरे दोस्त वो तो मुझ पर जान देती है जान। अभी अभी तो छुप कर मिलने आई थी, दरवाजे ही से चली गई। कहती थी उसका कोई रिश्तेदार यही बैठा है, कहीं देख न ले। तो वो किधर गई? उधर उधर। हे हे हे, जा कहाँ रहे हो? लता मेरी होने वाली बीवी है, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? शर्म नहीं आती? अभी शर्म के बच्चे, अगर जरा टूट रखी तो हड्डियों को सुरमा बना दूंगा। जाता कि नहीं जा सकती? जाती हूँ, जाता हूँ, जाती हूँ, जाता हूँ। नमूना कहीं का अजीब दुनिया है, वादे हमसे और मुलाकातें दूसरों से। हेलो मिस्टर ब्रह्मचारी, हाउ डू यू डू? कौन लता? हाँ तुम? हाँ हाँ। अच्छा जी, हमारी ही बिल्ली और हम ही से म्याऊं? म्याऊं। तुम्हारी ये जुरत? अगर मेरे बाप की तुम्हारे बाप से दोस्ती ना होती तो मैं कभी मुंह ना लगाता। तो इसका ये मतलब हुआ कि कुसूर मेरे बाप का है? बेशक। नहीं मिस्टर, हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। हुजूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप का। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट तुमसे नहीं बोलते। क्यों? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? इसलिए कि हर नौजवान लड़का हर नौजवान लड़की का धोखा पसंद करता है। ये बात? हाँ। Thank you.
मैलापुर वाले शेखर बाबू को जानते हैं आप? मैलापुर? अरे बहन, मैलापुर तो एक मील पीछे रह गया। अरे सेठ, किस औरत को बहन कह रहे हो? पता पूछने का तो बहाना है बहाना, असली बात कुछ और है। शक्ल नहीं देखते, छटी हुई वेश्या है वेश्या। रिक्शे वाले, जज के अस्पताल चलो। घबराओ नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो। रोता क्यों है मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा अच्छा बेटा? बहन, अब तुम अपने घर जा सकती हो। घर? लड़का कितना प्यारा बच्चा है। लड़का, माँ का नाम मालती, मालती है ना? जी। और बाप का नाम? और बाप का नाम क्या? इसका बाप नहीं है? ऐसा ना कहिए, वो जिंदा है और इसी शहर में रहते हैं। इसी शहर में? कैसा बाप है जो अपनी बीवी और बच्चे को देखने तक नहीं आया?
ओ, ये बात है। जाओ बहन, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। हाँ, अंदर क्यों आई है? भिखारिन कहीं की, चली जा। देखा मुन्ने, कितना बुरा नौकर है, घर के मालकिन को डांटता है। तेरा बाप घर में आ ले तो उससे कहकर इसे नौकरी से निकलवा दूंगी। ठीक बात है ना? अभी तेरे पिता जाएंगे, तेरा प्यारा प्यारा मुखड़ा चूमेंगे, तेरे लिए 420 का खिलौना लाएंगे, फिर हम सब मोटर में बैठकर गांव चले जाएंगे। तेरा नाना तुझे देखकर कितना खुश होगा। देख, नाना की गोद में जाकर मुझे ना भूल जाना। हाँ? नहीं भूलेगा ना राजा बेटा? लता मेरी है, इसी आस पर जीता रहा हूँ। क्या आप मेरी सास को तोड़ देंगे? लता की शादी किसी और से होगी। बरहुरदार, दिल छोटा ना करो। तुम्हें ये लता ना सही, कोई और लता मिल जाएगी। ये न सही और सही और न सही और सही। बेटा, इस शहर में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। आखिर कोई तो तुम्हारी किस्मत में लिखी होगी। लेकिन कुमार में क्या खूबी है जो मुझ में नहीं? क्या मैं खूबसूरत नहीं? बल्ले बल्ले, तुम तो खूबसूरती का चलता फिरता इश्तेहार हो। क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं? बल्ले बल्ले, तुम तो अच्छे खासे प्रोफेसर हो। क्या मेरी इज्जत नहीं? बल्ले बल्ले, आदमी तो आदमी, तुम्हारी इज्जत तो गधे भी करते हैं। मगर बेटा, शादी लता की है, मेरी नहीं। अगर मेरी होती तो तुम्हारी कसम अब तक मैं तुमसे सिविल मैरिज कर चुका होता। बाबूजी, आपने अभी तक मेरे दिल के दर्द को नहीं पहचाना। दर्द तो क्या तुम्हारे इलाज के लिए अस्पताल खोलूं? बेटा, शादी किस्मत की बात होती है, तुम्हारी किस्मत में लता का संबंध नहीं है, भूल जाओ उसे। हाँ, और देखो, मैं फागुन में लता की शादी कर रहा हूँ। तुम जानते हो मैं ठहरा अकेला आदमी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी का सब इंतजाम तुम करो। बाबूजी, हाँ, आप तो जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। मैं दावे से कहता हूँ कि मुझसे अच्छा दामाद आपको सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। मगर बरखुरदार, मुझे अच्छे दामाद की जरूरत ही नहीं है। तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मगर मैं जरा थोड़े बुरे आदमी को पसंद करता हूँ। बाबूजी, हाँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ा लीजिए। अगर आपने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की होती। अबे जा जा, बड़ा आया मोहब्बत बताने वाला, तू और मुझे मोहब्बत सिखाएगा। अबे उल्लू, उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने सैकड़ों लेक्चर दिए थे मोहब्बत पे। जानता है मोहब्बत की कितनी क्लासें होती हैं? नहीं तो फिर डींगे क्यों मारता है मोहब्बत के बारे में? बेटा, मोहब्बत की चार क्लासें होती हैं, जैसे कि रेलवे की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास। तुम्हारी मोहब्बत थर्ड क्लास है। तुम आदमी थर्ड क्लास हो, तुम इंसान थर्ड क्लास हो, तुम्हारे ख्याल थर्ड क्लास है। तुम मेरे नहीं, मेरी दौलत के दामाद बनना चाहते हो। बाबूजी, अगर आप समझते हैं कि मैं लता के लायक नहीं हूं तो नमस्ते, मैं जाता हूँ। अबे जा जा, जाता है तो तुम्हें बुलाया किस गधे ने था? उल्लू कहीं का, मुझे मोहब्बत सिखाने आया है। 50 बरस से मोहब्बत कर रहा हूँ भगवान से।
शेखर, शेखर, मुन्ने देख तेरे पिता ही हैं। पिता कौन है तू? गेट आउट। मजाक कर रहे हो, अपनी मालती को नहीं पहचानते? मैं किसी मालती वालती को नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से। हाँ, शेखर। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्यों बेलट्टू, क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। दिल की गाड़ी चक 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 करती हुई मोहब्बत के स्टेशन पर ठहर गई है। ये क्या बकवास है? ये तो आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि अब एक से दो, दो से चार, चार से आठ और आठ से सोलह और फिर सोलह के बच्चे। चुप रहेगा या नहीं? आपकी शादी हो रही है और मैं चुप रहा हूँ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। गेट आउट यू इडियट। थैंक यू, थैंक यू। वो फिर वही मुसीबत। कितनी बार कह चुका हूं कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चली जा। चली जाऊं? वो दिन भूल गई जब तुमने मुझे शादी का वचन दिया था। क्या वो मीठी मीठी बातें दो घड़ी की मौज के लिए थी? तुम्हारे दिल में उस वक्त खोट था, प्यार नहीं था। डैम इट, ये प्यार। मुझे खबर ना थी कि तू इतनी चालाक लड़की। तेरे पास बैठकर तो मैंने अपना दामन जला लिया। तूने मेरे जैसे भोले भाले आदमी को खराब किया। मैं तेरे पाप का जिम्मेदार नहीं। तुम जिम्मेदार नहीं शेखर, तुम मर्द हो, पाप करके भी अपना सर ऊंचा कर सकते हो। मैं औरत हूं, निर्दोष होकर भी जुबान नहीं हिला सकती। मर्द पाप करे तो दुनिया उस पर पर्दा डाल देती है और बेचारे औरत की एक छोटी सी भूल जीवन भर के लिए बदनामी बन जाती है। Shut up! तुझे बदनामी की क्या परवाह? तू तो उल्टा मुझे बदनाम करने आई है, मक्कार कहीं की। मक्कार? उस औरत को मक्कार कह रही हो जिसने तुम्हारे वचन को भगवान की वाणी समझा? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या इसी दिन के लिए तुमने पवित्र अग्नि के सामने कसम खाई थी कि तुम सदा मेरे होकर रहोगे? तुम बदल गए हो शेखर, तुम बदल गए हो। मगर मुझे वो पूनम की रात याद है जब तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया था और मैंने शर्माते हुए कहा था, शेखर शादी से पहले। लेकिन तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, मालती जब दिल मिल गए तो समझो शादी हो गई। और उसके बाद तुमने एक बेबस लड़की की इज्जत। मैं मूर्ख थी, तुम्हारी बातों में आ गई तो मुझे निशानी देकर चले गई। शेखर, शेखर, क्या तुम अपनी वासना के लिए दो जीवन बर्बाद कर दोगे? जो कुछ होना था हो चुका मालती, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए? ये ले 2000 रुपए और निकल यहां से।
रुपए शेखर, एक स्त्री के आबरू और मर्यादा की कीमत डाल रहे हो। शेखर, अगर मैं तुम्हारी दौलत की भूखी होती तो इस दरवाजे पर ना आती। आत्मा का खून करके दौलत हर जगह कमाई जा सकती है। मैं इस घर को मंदिर समझकर नहीं आई, मंदिर समझकर आई हूँ शेखर। मालती, मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं, और क्या चाहिए तो ले जा। शेखर, जाना है तो इज्जत के साथ यहाँ से चली जा, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जाती है कि नहीं? चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी। इस घर से क्या, इस दुनिया ही से चली जाऊंगी। लेकिन मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मिटा दो। एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया से कह दो कि तुम इस बच्चे के बाप हो। मैं पाप नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। मेरी पत्नी? अगर तेरे जैसी आवारा औरत को अपनी पत्नी कहकर पुकारूं तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि शादी से पहले माँ बन जाने पर दुनिया मुझे क्या कहेगी? क्या मेरी इज्जत इज्जत नहीं? जवाब दो शेखर। उससे जवाब क्यों मांगती? उससे जवाब ले जिसने ये पाप की कटरी तुझे दी। क्या इतनी भोली न बन मालती, जैसे तूने मुझे अपने अदाओं से शिकार किया वैसे ही कई नौजवानों के दिल तूने आबाद किए होंगे। तुम औरतों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी जुबान रोको शेखर, सारी स्त्री जाति को गाली न दो। उस जाति में तुम्हारी माँ भी है और बहन भी। तू पैसे की छोकरी, तेरी ये मजाल। मुझे ये सजा मिलनी चाहिए थी। शेखर, जा रहे हो? ठहरो, इस बच्चे पर ही रहम करो। मुझे न चाहिए, इसको तो अपने पास रख लो। हटा ले इसे, और अगर तू नहीं संभाल सकती तो जाकर किसी नदी नाले में फेंक दे, और साथ ही खुद भी डूब मत। ठहरो शेखर, 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 खबरे की कोई बात नहीं, लेकिन चोट बहुत ज्यादा लगी है। आराम आने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। नर्स, बच्चे को ग्लूकोज पिला दो। Thank you.
होगी पहले पहले प्यार की पहले पहले बात होगी खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे वो आके फिर ना जाना रे चम चमा चम चम इकरार होगा कभी इनकार होगा तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे वो आके फिर ना जाना रे चम चमा चम चम जान बचा ली आपका एहसान कभी ना भूलूंगी अच्छा तो जाओ जाओ बहन लेकिन क्या एक दिन तुमने बेहोशी में बड़ी भयानक बात कही थी मैंने हाँ तुम कह रही थी डूब मरो बच्चे को नदी में फेंक दो देखो ऐसा ख्याल कभी दिल में ना लाना नहीं बहन ये कैसे हो सकता है कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है सो गया मेरा मुन्ना सो जा सो जा तेरे लिए संसार के सारे द्वार बंद हो चुके घर का सुख पिता का प्यार कुछ भी नहीं तेरी किस्मत में तेरी अभागन मां की ये बूंद तेरे माथे का कलंक बन चुकी है दुनिया तुझे पाप की निशानी समझती है कहां ले जाऊं तुझे कहां ले जाऊं मेरा साथ साथ तू क्यों ठोकरे खाए है कि मैं मौत को कले से लगा लूं मेरे बाद दुनिया तुझे अनाथ कहेगी यतीम कहेगी लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि तू किसी बिन ब्याही मां का बेटा बेटा बुन्ना
बाबा, कल से कुछ नहीं खाया बाबा। ए पापा, दया करो बाबा। अरे और ये इलिया, आप मुर्ची सोल रहे हैं? अरे मुर्ची मुर्ची क्या रखा रखा है, है? कुछ भगवान के नाम पर भी दिया कर। हट ले मुन्नी, खा। जुग जुग जियो दादा। जा बेटा जा। अरे इन्हें स्वामी जी। अरे इन्हें स्वामी क्या कर रहा है, है? अरे अरे ब्लैक मार्केट कर करके सेठ बन बैठा है और गरीबों की मदद करते तेरी जान निकलती है। देख देख, भिखारियों को कुछ ना कुछ जरूर दे दिया कर, वरना अगले जन्म में कुत्ते का रूप लेकर पैदा होगा। बोल, अगर ये तेरी बेटी होती तो है? तेरा एक केला नुकसान हुआ है। हाँ, है, ले मुझसे दो केले ले। चल चल, संतरे दे। अभी इस दुनिया में दया धर्म बाकी है। अरे कच्चा है ये, पक्का है। अरे ये पिलपिला है। हाँ ये चलेगा, ये ठीक है। एक दो तीन चार, अरे ये सड़ा हुआ है। हाँ चार पांच छः सात आठ, अरे ये तेरी तरह सड़ा हुआ है यार। हाँ आठ नौ दस ग्यारह बारह। हाँ पैसे बोल। दो रुपए बारह ने। हाँ अरे पर मेरे हिसाब से तो दो रुपए दस आने बनते हैं और दो आने भिखारी फंड। फंड? अबे ओ फंड के बच्चे, तू आदमी है कि यतीम खाना है? तेरी आंखों के सामने भिखारी भूखे मर रहे हैं और तू फंड जमा कर रहा है। चल है? मुझे नहीं चाहिए। बड़ा व्यापार करने का आया तू। बो बिल्ली यहाँ कहाँ? अरे फिर नजर तो कहीं नहीं आती, शायद मैं ही पागल हो गया हूं। ओह मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, पूरा एक गधे का बोझ है। बिन बुलाया मेहमान है? मैं बिन बुलाया मेहमान? बाबूजी देखिए तो आपके लिए क्या क्या लाया हूं। आप भी अजीब हैं, ना हूं ना हां ना यस ना नो, अजीब। मैं नए मेहमान ने घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? अबे लट्टू, क्या है बाबूजी? ये बच्चा किसका रो रहा है? अजी सामने वाले घर में पैदा हुआ होगा। अबे आहिस्ता बोल, सामने वाले घर में लता रहती है। नॉनसेंस।
अरे बाप रे, अबे लट्टू, ये बच्चा कहाँ से ले आया है? बच्चा? कैसा बच्चा? बाबूजी आपने लिस्ट में बच्चा तो नहीं लिखा था। अरे मैं ये तो जानता हूँ, लेकिन ये क्या है? क्या है? देख, अरे असली बच्चा। हाँ बाबूजी, बच्चे की शक्ल बिल्कुल आपने लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबूजी, बहुत खुशी की बात है, घर में रौनक हो गई। वाह वाह वाह, देख लिया इस रौनक को? मैं कहता हूँ लट्टू, किसी ने ये मुसीबत तेरे सर पे थोप दी, ले इसे जाके पुलिस के हवाले कर। पुलिस के हवाले? बाबूजी इस बेचारे ने क्या कसूर किया है? अच्छा तू नहीं जाता तो मैं जाता हूँ। ठहरिए ठहरिए बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं आप? देख 5 बज गए और 5:30 बजे मुझे जलसे में पहुँचना है। तो ठीक है बाबूजी, साथ में इसे भी ले जाइए, आप लेक्चर देंगे, ये तालियां बजाएगा। तू बकवास बंद कर अपने और जाके मेरे कपड़े तैयार कर। कपड़े? बाबूजी बच्चा भाग यहाँ से, कथा कहीं का ना हो तो। भगवान जाने कहां से ये मुसीबत को उठा रहा है। अरे मैंने कौन सा पाप किया था भाई? ओहो, चुप जा। फैमिली को भी बुला लिया है, बड़ा अच्छा किया। मास्टर दिवाली आ रही है, अपने बाप से कहना कि हमें इनाम दे। ए पोस्टमैन जी साहब, ये कुमार बाबू थे ना? जी हाँ। और ये बच्चा? कुमार बाबू का है। हाँ कुमार बाबू का है। सचमुच तुम पगली हो, अपने हाथों अपने जीवन का अंत करना पागलपन नहीं तो क्या है? जीवन मरण भगवान के हाथ में होता है। देखो तुमने समुन्द्र में जान देने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ बिटिया, अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढो, हिम्मत न हारो, इस घर को अपना घर समझो। बच्चा मिल जाएगा तो जहां जाना है चली जाना। मेरा लाल मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, भगवान का हाथ तेरे सर पर है मेरा मुन्ना। शरणार्थी बच्चों की मदद के लिए कुमारी लता का भारतीय नृत्य। सभा सम्राट चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल, सभापति अशोक। साढ़े 5 बज गए मगर अशोक अभी तक नहीं आया। ये आजकल के कमबख्त लौंडे करते क्या है, वक्त के पाबंद रहते ही नहीं। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो चलने फिरने खाने पीने हिलने जुलने हत्ता के हर बात में वक्त का ख्याल रखता था। क्या बात है चौधरी साहब आपकी। जी हजूर मैं किस काबिल हूँ, यकीन जानिए अगर लगन मंडप में मेरी बीवी 1 मिनट भी लेट आती ना तो आज वो मेरी बीवी ना होती। ये वक्त की पाबंदी है, इसका ख्याल रखना ही पड़ता है और मैं तो जरूर रखता हूँ। क्या है? अशोक बाबू आ गए। अशोक बाबू आ गए? देखा मैं ना कहता था कि वो जरूर वक्त पर पहुंचेगा। भाई शागिर्द किसका है, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल का, आता क्यों ना। अशोक ओ बेटा अशोक। शेखर अशोक कहाँ है? अशोक नहीं आया। अरे नहीं आया तो ना सही, चौधरी के होते हुए किसी अशोक की जरूरत नहीं। आइए सेक्रेटरी साहब अपना प्रोग्राम चालू करें। है ना कोई कसूर है
लेके सपनों के हार लेके आजा रे आजा परदेसिया आजा परदेसिया ओ परदेसिया। सर्विस, रिफ्यूजी बच्चों की इमदाद, यतीमों की मदद, अशोक प्रेसिडेंट, बकवास, बिल्कुल बकवास। शांति बेटी शांति, बुजुर्गों ने कहा है कि छोटे मोटे गुस्से को पी जाना अकलमंदी की निशानी होती है। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, लेकिन कुमार के न आने से लता को कितनी मायूसी हुई। हाँ तुम भी ठीक कहते हो शेखर, मगर कभी कभी मायूस होना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हफ्ते में एक बार जरूर मायूस होता था। ये भी आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुमार को यतीम बच्चों की मदद के लिए फुर्सत ही कहाँ है बाबूजी, उसे तो अपना बच्चा संभालने का वक्त नहीं है। आए? कुमार का बच्चा, ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ। आप बड़े भोले हैं बाबूजी, बात तो बहुत पुरानी है लेकिन आपके कानों तक आज ही पहुंची है। ये कैसे हो सकता है, चौधरी गोवर्धन लाल पटवर्धन लाल 24 घंटे अपनी आंखें और कान खोल के रखता है। ये तो ठीक है, लेकिन कुमार
आपका होने वाला दामाद एक बच्चे का बाप है। शांति बेटी शांति, आगे देखो, आगे कहीं एक्सीडेंट कर दोगी। बुजुर्गों ने कहा है कि बुरे से बुरे आदमी की बात भी सुन लेनी चाहिए। आगे कहो शेखर। मुझसे न पूछिए, अभी मैंने इतना ही कहा है कि कुमार एक बच्चे का बाप है। अगर मैं ये बतला दूं कि उसका आधी दर्जन लड़कियों से मिलना जुलना है तो लता तो शायद मुझे गोली ही मार दे। हो सकता है, हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अगर बेटी किसकी है, गोली न मारेगी तो क्या करेगी। हाँ बेटी, गाड़ी कुमार के घर की तरफ ले लो। ओ, 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 बस मेरे यार, अब तो चुप हो जा, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तूने तो मेरे जलसे का भी जुलूस निकाल दिया, बाकी क्या रह गया। अच्छा 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 अच्छा, बस बस चुप हो जा, अभी तेरी माँ आएगी, तुझे गोदी में उठाएगी। अभी तेरी माँ आएगी, तुझे गोदी में उठाएगी, सुन लिया आपने। कुमार, मिस्टर कुमार। लता आ गई, इसे लो। जरा इधर देखिए, बच्चे की माँ। आए, चलो डैडी घर चले। बाबूजी जल्दी चलिए, लता नर्वस हो रही है, चलिए। लता, दरवाजे से ही लौटे जा रही हो? चौधरी साहब ठहरिए तो सही। लता, अब मेरा इस दरवाजे से कोई मतलब नहीं। ये क्या कह रही हो लता? मैं नहीं जानती थी कि शरीफों के बेस में तुम एक आवारा आदमी हो। आवारा? आवारा किसे कह रही हो? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? तुम समझते थे ये राज कभी नहीं खुलेगा? चलो डैडी। मेरी बात तो सुनिए चौधरी साहब। हाँ हाँ बोलो। बाबूजी, इस कमीने के लिए अपनी सेहत खराब ना कीजिए, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जाइए साहब, अंदर जाकर अपने बच्चे को संभालिए। अरे हाँ, जा जा जा, हम संभाल लेंगे अपने बच्चे को, तू इनको ले जा, बच्चा हमारा है, जो जी चाहे कर लेना। चलिए बाबूजी। मट्टू, बहुत सोच विचार किया है लेकिन मामला जरा टेढ़ा है। फर्ज कर लो कि वो बच्चा कुमार का नहीं, लेकिन वो औरत जो उसके घर में थी वो कौन थी? छोड़िए बाबूजी, आप भी बड़े भोले हैं। शेखर ने जो कुछ कहा और दिखाया आपने विश्वास कर दिया। बाबूजी, वो पूरा 420 है, 420। क्या कहा? शेखर 420 है? निकल यहाँ से। आइए आइए, तशरीफ रखिए। अगर शेखर झूठा है तो क्या ये तस्वीर भी झूठी है? आंखें खोलकर देखो चौधरी साहब, कुमार ने किस प्यार से बच्चे को उठा रखा है। पराई औलाद किस तरह कौन उठाता है? बच्चा कुमार का है और कुमार इस बच्चे का बाप है, और वो औरत कुमार की बीवी और इस बच्चे की माँ है। बल्ले बल्ले उमा देवी, क्या चमकदार आवाज पाई है, जब बोलती हो स्वर में ही बोलती हो। अरे बाबा, छोड़ी जाना, हाथ पैरों के सामने। अरे जून जुलाई की औलाद, अब सो भी जा। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया। अरे राम राम राम, क्या करूं? अरे कहां मरूं? टेलीफोन 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 टेलीफोन। हेलो मम्मी, अजी डैडी की बात है, डैडी 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 की बात है। हेलो हेलो, पुम पुम के बच्चे, ये हॉर्न कहाँ से ले आया है? बाबूजी, ये बाजू वाले की मोटर से निकाल लाया हूँ। तो क्या बच्चा इसे चुप हो जाएगा? जी बच्चा क्या, बच्चे का बाप चुप हो जाएगा। अजीब मुसीबत है, शाबाश शाबाश, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। अरे यार, तूने तो फिर टींटी शुरू कर दी, अब तो ब्रेक लगा दे। ओहो, ओ दोपहर की पैदाइश, तेरी माँ कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है, कुछ तो बता दे, कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया है। ओहो, जान आफत में डाल दी है। अरे अब तो कमर भी ढीली हो गई मेरे जान। हाय राम, क्या करूँ? अरे क्या करूँ, मैं बताता हूँ। अरे तू क्या बताएगा? मेरे नाले बना है, तू मामा तक पूछो। चुप, चिड़िया के अट्ठे सो जा, चाबी के लट्ठे सो जा। चिड़िया के अट्ठे सो जा, चाबी के लट्ठे सो जा। ओ उल्लू के पट्ठे सो जा। थैंक यू। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे बच्चे। अरे बाबूजी, ये ऐसे नहीं सोएगा, मुझे दीजिए। ले तू सुला ले। देखिए देखिए, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी।
ये राजकुमारी है कि राजकुमार? अजी राजकुमारी का भाई राजकुमार। नॉनसेंस। सो जा मेरे लाल, ये तो बकता ही रहेगा। ना जाने कौन है तू, आया है तू कहां से, धरती से उग पड़ा है, टपका है आसमां से, ओ टोकरी के सो जा, चाबी के लट्ठे सो जा। ओ खनचक्कर, ये लोरी मैं बच्चे के लिए गा रहा हूँ या तेरे लिए? मेरे लिए। क्या? बच्चे के लिए। बच्चे का बच्चा? बहुत अच्छा। अरे सो जा मेरे यार, जान खा गया तू तो। हाय श्याम जी। बहन, वो बच्चा नहीं मिला? नहीं। घबराओ नहीं बेटिया, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तुम्हें बच्चा जरूर मिल जाएगा। भगवान जाने कब मिलेगा, काश उसे मैं एक बार देख सकती। जरूर देखोगी बहन, तुम यही रहो और रोज बच्चे की तलाश करो। ओहो, बाबूजी आप तो अच्छे खासे चार्ली थे, ये देवदास क्यों बनते जा रहे हो? बाबूजी हमने तो सुना था कि औरतें मर्दों के लिए रोती हैं और तुम मर्द होकर औरतों के लिए आंसू बहाते हो। लट्टू बाबूजी, अगर मेरा बस चले तो आपके एक आंसू पर 101 लता कुर्बान करके फेंक दूं। बाबूजी अगर मेरी बात मानिए तो आज ये घर छोड़ दीजिए, ना होगी बालकनी, ना दिखेगी लता, ना होगा बांस, ना बचेगी बंसरी। कहते तो ठीक हो लट्टू। क्यों भाई? क्या हुआ मामा? वो दयालु कौन थे जो उस दिन भिखारियों के लिए तुमसे झगड़ रहे थे? दयालु आलू हमको तेरिया, कमला है, अंगूर है, मांगता है तो लो, नहीं तो पो। लेकिन कभी कभी दर्शन हो जाए तो आई डोंट माइंड इट। अच्छा जी, तो हम मस्का लगाते हैं। तो और क्या? काश आपको अपना दिल दिखा सकता। अगर दिल होता तो दिखा देना। Yeah.
वही। नहीं पिएगा? अरे मेरे यार, दूध नहीं पिएगा तो जिएगा कैसे? यहाँ तेरी कौन सी माँ बैठी है? ले पी। वो देख लट्टू आ गया। तुम्हारे लिए घोड़ा लाया, बैलून लाया और वो गधा खुद भी आया। वाह 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 वाह, बेटा दूध पी रहा है, पियो बेटा पियो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए बैलून लाया, घोड़ा लाया, और देखो ये झुंझुना लाया। माँ बाप को गोद में लिए बैठी है और बच्चा हुक्का पी रहा है। करेगा या नहीं? थैंक यू। बच्चे को बाहर ले जा, मुझे लिखना है। क्या बाबूजी, सुबह लिखना, दोपहर को लिखना, शाम को लिखना, हर वक्त लिखना ही लिखना। चलो बेटे, हम बाहर चले हैं, बाबूजी को लिखना है। किसका बेटा भाई? वाह 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 वाह। है कौन है तू? जी मैं क्या भिख मंगी कहीं की? अरे आंखें फार फार कर क्या देख रही है? क्या बच्चे को नजर लगाएगी? है, अगर बच्चे की माँ ने देख लिया तो तेरी आंखें निकाल लेगी। भाग यहाँ से। मेरा लाल जहाँ भी है सुखी तो है, मुन्नी मैं तेरे खुशी के रास्ते में नहीं रहूंगी, सिर्फ रोज तुझे देखकर ही खुश होंगी। वाह 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 भाई वाह, वाह भाई बेटा, वाह भाई वाह। घोड़ा नाचे, घोड़ा नाचे, वाह भाई वाह। घोड़ा गिर गया, घोड़ा गिर गया, वाह वाह वाह, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। छोटा बाबू बना सिपाही और मैं उसका घोड़ा, ओ छोटा बाबू बना सिपाही और मैं इसका घोड़ा। ओ मुड़ गया बस मैं उसी मोड़ को जिधर भी इसने मोड़ा, ओ मुड़ गया बस मैं उसी मोड़ को जिधर भी इसने मोड़ा। ओ बड़ा हुआ मेरा गुड्डम गुड्डा और मैं हो गया बुड्ढा, ओ बड़ा हुआ मेरा गुड्डम गुड्डा और मैं हो गया बुड्ढा। ओ टाटा टाटा टाटी टाटा 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 टाटा। बैठो बेटा बैठो, चल मेरे घोड़े बम्बई, चल चल मेरे घोड़े बम्बई, चल ओ टिक 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 टिक। मट्टू, मुझे कुमार से कोई नफरत नहीं, लेकिन वो बच्चा। बच्चा किसी और का होगा, कुमार का नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी और उसकी खुशी चाहती हो तो इस भेद को जानने की कोशिश करो। कुमार से आग चुराने के बदले उसके पास जाओ, उसे पहचानने की कोशिश करो बिटिया। हाँ कुमार। लता आइए आइए, तशरीफ लाइए। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तुम तो यही समझते हो कि मुझे तुम्हारे घर से, तुम्हारी खुशी से कोई दिलचस्पी नहीं। कभी थी लेकिन अब? अब भी है, लेकिन पहले ये बताओ कि इस बच्चे की माँ कौन है। देखो लता, ये एक यतीम बच्चा है, सच पूछो तो मैं इसके बाप को भी नहीं जानता, तो फिर इसकी माँ का नाम पता कैसे बता सकता हूँ? ये तो पुराना बहाना है। अच्छा बेबी, तुम ही बताओ तुम्हारा बाप कौन है, बताओ ना। अब बताओ, तुमने आज तक मुझे धोखे में क्यों रखा? ठहरो ठहरो, बताता हूँ।
अच्छा बेबी, ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? बताओ ना। अब बताओ, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? शरीर कहीं का। मैं तुम्हारी माँ। बड़ा आया मेरा बेटा। लता, मैंने कहा एक प्यार भरा बोसा। क्या कहा? बोसा? हाँ हाँ, बोसा, यानी किस? कुमार, मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझती थी। तो मैंने कौन सी बदमाशी की बात की है? सिर्फ एक बोसे के लिए तो कहा है। शराब कुमार, फिर कुछ कहा तो? ओहो, मैं अपने लिए थोड़ा ही कह रहा था, मैं तो बच्चे के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, बच्चे को बोसा? देखा बेबी, इतना प्यार तो तुम्हारी असली माँ भी नहीं करती होगी। माँ? तो इसका यह मतलब हुआ कि तुम इसकी असली माँ को भी जानते हो? हाँ जानता हूँ, कर लो जो कुछ करना है। तो इसके बाप भी तुम ही हो? बेशक, मैं इसका बाप हूँ। मेरी बला से। ऑलराइट। बाबूजी, अब आप ही कहें देर किस बात की है? अंधेर की। आप तो हर बात मजाक में टाल देते हैं। देखो जी, मैंने तुम्हें कभी मजाक में नहीं टाला, तुमसे शादी की और शाबाश दो के अभी तक निभा रहा हूँ। बाकी रही लता की बात, उसकी मर्जी के बगैर मैं उसका हाथ किसी के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? बोली जी, लता भी आ गई। तो आज इसे पूछ ही लीजिए ना। मैं क्यों पूछूं? तुम्हें क्या आचार डालने के लिए रखा है? खुद ही पूछ लो ना। ये उससे पूछने की बात है क्या? आप लता के बाप हैं, उससे किसी के साथ भी शादी का हुक्म दे सकते हैं। ठंडा पियो ठंडा, बोलती रहती है। ओ, ओ, बिटिया, ए, बिटिया, ये शेखर तुम्हारे लिए कुछ कह रहा है, तुम क्या कहती हो? जो आप कहते हैं डैडी। हाँ, देखा बाबूजी, लता मान गई। तो शादी की तैयारी शुरू की जाए। बल्ले बल्ले बल्ले, आज तो दोनों ही सुर में बोल रहे हो। शादी का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? शादी का मतलब होता है शादी, और वो होते होते ही होगी। देखा मट्टू, साथ दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसे समझाया कैसे जाए। एक तरफ उसका शक, दूसरे इस बच्चे की मुसीबत, मैं तो सैंडविच बन के रह गया हूँ। घबराने की कोई बात नहीं बाबूजी, आप तो खुद समझदार हैं। अब मैं क्या आपको समझाऊं? आप तो जानते हैं कि दुनिया में हर दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन और मुसीबत के बाद। बाबूजी बाबूजी, बच्चे ने जहर पी ली बाबूजी। अरे अब क्या होगा लट्टू? डॉक्टर को बुला लो बाबूजी। हाँ, जल्दी से भाग के बुला के आ जा रहा हूँ। अरे लट्टू, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बच्चे की जिंदगी खतरे में है। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, लट्टू मुन्नी ने टेंशन पी लिया, अब क्या होगा? डॉक्टर आ गया बाबूजी। ओहो, ये लो। मेरे कारण तो नहीं हूँ। देखो मुझे परेशान ना करो, हमारा बच्चा बहुत बीमार है। इसलिए तो मैं आई हूँ। कहाँ है मेरा राजा? कहाँ है मुन्ना? बताइए ना। कौन है बाबूजी? मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल को? राजा राजा, मुन्ना मेरी तरफ देखो राजा। अरे तू फिर आ गई? तूने ही हमारे बच्चे को बीमार किया है। उस रोज आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, और अब क्या हमारे बच्चे को? लेकिन तुम कौन हो? मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। माँ? माँ? बड़ी आई माँ बनने वाली? चल निकल यहाँ से, भिखारन नहीं किया तू। नहीं नहीं, मुन्ने मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार माँ कह दो, एक बार माँ कह दो मेरे लाल। डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब, बेबी ने टेंसाइडिन पी ली है। डेंजरस? हाँ जी, डेंजरस। आइए आइए। क्या कहा? बच्चा बीमार है? हाँ बिटिया, कुमार बच्चे के कारण बेहद परेशान है। बिटिया, कुमार परेशान है? किसी बात का भी डर नहीं, शाम तक बच्चा हंसने खेलने लगेगा। किसी न किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरे लिए आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, आप कितने अच्छे हैं बाबूजी। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन ये बताओ, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो? हाँ बाबूजी, मैं ही इसकी अभागन माँ हूँ। दुनिया की कोई माँ अपने
बच्चे को इस तरह ठुकरा नहीं देती। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया बदनामी के डर से किया। अगर मैं इसे इस तरह छोड़ना चाहती तो मेरे साथ साथ ये बच्चा भी गली गली बदनाम हो जाता। वाह वाह, बड़ी अकलमंदी दिखाई। बच्चे को तो बचा लिया और हमारी हजामत कर डाली। अरे तुम्हें पता नहीं, इस बच्चे की खातिर मुझे सारी बांधनी पड़ी, इसकी आया का काम करना पड़ा, और तो और मुझे जी। फजूल बातें मत करो बाबूजी। क्या ये सच नहीं कि इसी बच्चे की खातिर लता ने आपका बाइकॉट कर दिया? निकल यहां से। दोष मेरा है, मेरे कारण आप दोनों बिछड़ गए। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने ही जल्दबाजी से काम लिया और इन पर शक करने लगी। आप और मेरे घर में? छी 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 छी, शायद आपसे गलती हो गई है लता देवी। ये तो कुमार का घर है, आपका चाहने वाला तो बराबर की गली में रहता है। जाइए, बेचारा इंतजार कर रहा होगा। कुमार, मुझे परेशान न करो। ओ, मासूम बन रही हो। प्लीज कुमार। बाबूजी, किसी औरत के दिल को दुखाना अच्छा नहीं। अब तो शक का पर्दा हट गया है, हंसते हंसते जीवन बिताइए। शुक्रिया बहन। तो बच्चा तुम्हारा है? जी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा पति कहाँ है? पति? हाँ। क्या वो इस दुनिया में नहीं? ऐसा ना कहिए बहन, वो जिंदा है। तो फिर वो है कहाँ? ये ना पूछो, मैं किसी को अपने दुख में शरीक नहीं करना चाहती। तुम अपने दिल का दर्द मुझे बताओ। हाँ हाँ, जरूर बताओ। गम को दिल में दबाने से गम और बढ़ जाता है, कह डालो जी, हल्का हो जाएगा। दो बरस हुए वो मेरे जीवन में आए थे, अगर वो ना आते तो शायद मैं अपने माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए जान पर खेल जाती। लेकिन उन्होंने मेरी जान बचा ली, मुझसे शादी का वादा किया। उनकी बातों में कुछ ऐसा जादू था कि मैंने शादी से पहले ही उनको पति समझ। मट्टू। जी हुजूर। लता कहाँ गई है? हुजूर, उसका तो एक ही ठिकाना है। अबे साथ साथ क्यों नहीं बकता, कौन सा ठिकाना? हुजूर, कुमार का घर। कुमार का घर? वहां किस लिए गई? हुजूर, जिस लिए आप यहाँ आए हैं। शट अप। मामा कहाँ जा रहे हो? जानम। मैं भी जरूरी। चल चल। पहले तो उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बाद में बच्चे की परवरिश के लिए मुझे रुपए देने चाहे, लेकिन मैं तो वहां अपना खोया हुआ सुहाग लेने गई थी। रुपए नहीं, जान से बेजार, दुनिया से मायूस मैं वहां से लौटी। आखिर बाबूजी के नौकर मुझे दिखाई दिए, उनमें मैंने दया की झलक देखी, और ये सोचकर कि मुन्ना इनके घर में अच्छी तरह पल जाएगा, उसे टोकरी में छोड़कर मैं अपने पापी जीवन का अंत करने समुंदर की तरफ भागी। है कितना जालिम आदमी होगा वो। मुन्ना, दर्द भरी कहानी थी। मेरा बस चले तो उस चंडाल को गोली से उड़ा दो। लता, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब तुम्हारा इस घर से क्या वास्ता है? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। आपकी होने वाली बीवी जो ठहरी, देखो लता, आइंदा इनकी इजाजत के बगैर इस घर में कदम भी ना रखना। हाँ, चुप रहो। मैं तुम जैसे आवारा और जलील आदमी को अपनी होने वाली बीवी से बात करते हुए नहीं देख सकता। दीदी, दीदी, तुम जिंदा हो मेरी? दीदी, वो लोग तो कहते थे तुम मर गई, भगवान करे वो सब कैसे मर जाए। आओ, तुम्हें एक अच्छी सी चीज दिखाऊं। आना दीदी, आ।
अरे मामा इधर तो देखो। शेखर। शेखर क्या तुम इनको जानती हो? हाँ हाँ जानती भी है और पहचानती भी है। कौन होते हैं ये तुम्हारे? यही तो मुन्ने के पिता हैं। है क्या कहा क्या कहा? ओ तो आप हैं मुन्ने के बाप शेखर बाबू। मुन्ने का बाप कौन कहता है? मुन्ने की माँ कहती है। मैं किसी मुन्ने मुन्ने को नहीं जानता। लता तुम इस फरेबी की बातों में ना आना। ये कहानी और ड्रामे लिखता है, ये सब ड्रामा इसी का रचाया हुआ है। किसी को बाप बना देता है, किसी को बेटा, किसी को माँ। क्या तुम इसे पहचानने से इनकार करते हो? डेफिनेटली, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने इस औरत को जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ? अरे मामा पहली बार देख रहे हो? गाँव में भेड़ भेड़ियों का खेल, जंगल में फोटू, मालती दीदी को शहर लाने का वादा, सब कुछ भूल गए। चुप चुड़ैल कहेंगी। चल चलो ठहरो, कहाँ जाते हो? छोड़ दो मुझे। ये क्या हुआ? बहन बहन मैं इस घर को मंडी समझकर नहीं आई, मंदिर समझकर आई हूँ शेखर। चली जाऊंगी, जरूर चली जाऊंगी। इस घर से क्या, इस दुनिया ही से चली जाऊंगी। लेकिन मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मिटा दो, एक बार सिर्फ एक बार दुनिया से कह दो कि तुम इस बच्चे के बाप हो। मैं पापा नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ शेखर। तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हें अपना नहीं समझा, ये मेरी भूल थी। लेकिन तुम मेरी हो मालती, तुम मेरी हो। मैं गुनहगार था, पाप के अंधेरे में गुम हो चुका था। तुमने मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया, उजाला कर दिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी मालती? तुम देवी हो, जरूर माफ कर दोगी। शेखर, इस बच्चे पर ही रहम करो, मुझे ना सही, इसको तो अपने पास रख लो। मालती निर्दोष है, वो बेजुबान है, उसकी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने उसकी खुशी छीनी, पापी मैं। मालती मालती मालती। शेखर क्या कर रही हो? उठो शेखर, उठो। मालती तुमने मेरी आंखों से पाप का पर्दा हटा दिया है, अविनाश उनको पहुंच डालो। मैं तुम्हें अपने होठों की मुस्कुराहट बनाऊंगा और सारी दुनिया के सामने मुन्ने को अपना मुन्ना और तुम्हें अपनी पत्नी कहूंगा। शेखर मेरे लाल, मेरा मुन्ना। अरे अरे आप उठ क्यों खड़े हुए हैं? बैठिए ना, बैठिए प्लीज। कम मिस्टर जीवा, आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। मट्टू पान पान खिलाए इनको। हाँ हाँ, ओ क्या नाम है तुम्हारा? उमा देवी। ओ उमा देवी, मिसेस चौधरी कहाँ हो? क्या बात है, आज तो खूब बन ठन की आई है। जवाब नहीं तुम्हारा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इधर देखो इधर। उमा आज ये जोड़ी मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि जैसे कि मियां और बीवी। नमस्ते बाबू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जियो बेटी, जियो जियो। शेखर देखो तुम्हें देवी मिली है, सारा आंखों पर बिठाना। ऑफकोर्स बाबू जी। हाँ अंग्रेजी बोलते हो? कभी कभी। बैड हैबिट, वेरी बैड हैबिट। उस जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लोग इंग्लिश से हिंदुस्तानी सीखने आते थे सरकार।
वेरी गुड। अपने शोकी को देखो, लिखता है हिंदुस्तानी, खाता है हिंदुस्तानी, पीता है हिंदुस्तानी, बोलता है हिंदुस्तानी, चलता है हिंदुस्तानी, गर्दे के पांव से लेकर सर तक बिल्कुल हिंदुस्तानी। जियो बेटा जियो, बेटी जीती रहो, गॉड ब्लेस यू।